नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता ने दिया समर्थन। कल रात 9 बजे दीपों की रोशनी में जगमगाया शहर। जिस तरह कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल गया है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ते हुए जनता को एकजुट होकर लड़ने की पहल करते हुए पहले जनता कर्फ्यू कर थाली और ताली बजाने को कहा, तो अब कल रात्रि के 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक, मोमबत्ती, टार्च एवं मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आह्वान किया, जिसे पूरा नगर एकजुट होकर मोदी के आह्वान पर दीपक प्रज्वलित कर सबने अपने अपने घरों की लाइट बंद की, जिससे पूरा नगर जगमगा उठा। वहीं नरसुल्लागंज नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला, जिसमें नगर व क्षेत्र की जनता जनार्दन द्वारा मात्र दीप प्रज्वलित नहीं किया गया, बल्कि पूर्ण समर्थन देते हुए आतिशबाजी भी की गई। वहीं लालकुंई के दुर्गा मंदिर को भक्तों ने दीपों से सजाया गया, जिससे कुछ पल के लिए पूरा नगर दीपावली की जगमग ज्योति में जग उठा, मानो क्षेत्र में दीपावली मनाई जा रही हो। सीहोर में अब पुलिस विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस विभाग का निर्णय है कि बेवजह घूमने वाले दोपहिया वाहनों को अब वो नियंत्रित करेंगे। सीहोर पुलिस अधीक्षक शशेंद्र सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत बेवजह बिना किसी कार के दोपहिया वाहन पर घूमने वाले वाहन चालकों को नियंत्रित किया जाएगा और ऐसे वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी शशेंद्र सिंह चौहान ने सभी चेक पॉइंट, यातायात विभाग सहित जिले के सभी थाना चौकियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सर, ये कोरोना वायरस के चलते हुए दुपहिया वाहनों को नियंत्रित करने का फैसला किया है, तो क्या है ये पूरा? ऐसा है, आप सभी देख रहे हैं कि हमने जन सामान्य की सुविधा के लिए ये छूट दे रखी थी कि दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति अपने आवश्यक सामग्री लेने के लिए जा सकता है, या एक व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चों के साथ जा सकता है, या बुजुर्ग व्यक्ति जा सकता है। परंतु देखने में लगातार आ रहा है कि इसका दुरुपयोग करके नवयुवक अनावश्यक चहलकदमी कर रहे हैं, रोड पर भीड़ बढ़ा रहे हैं, और इससे जो कोरोना वायरस की चेन तोड़ने का प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वो प्रभावित हो रहा था। तो हम प्रयास करेंगे कि जो अनावश्यक सिर्फ तफरी के लिए घूम रहे हैं उनको रोका जाए, और जो आवश्यक लोग हैं, पति पत्नी हैं या बुजुर्ग हैं या किसी आवश्यक काम से सिंगल व्यक्ति आ रहा, तो उसको। पूरे देश में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने और उसके श्रृंखला को तोड़ने के लिए पूरे देश में लगाए लॉकडाउन के परिपालन व नागरिकों को अन्य किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए शासन व प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लॉकडाउन के चलते शहरवासियों के साथ साथ ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का भी पूरा ध्यान कप्तान रखते हैं, और इसी के चलते इस लॉकडाउन पीरियड में पूरे जिले की सारी सीमाओं सहित पूरे जिले का बार बार दौरा किया जा रहा है। आज एक बार फिर पुलिस अधीक्षक सीहोर शशेंद्र सिंह चौहान ने अपने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ आष्टान विभागीय के खाचरोद सिद्धिगंज का दौरा करते हुए कन्नौज सीमा पर भी पहुंचे। लॉकडाउन के चलते 24 घंटे ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की उनके पास जाकर हौसला अफजाई की। सेवा में तैनात ग्रामीण क्षेत्र के कोटवारों का भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। नमस्कार।